बंगाल में पहले चरण का चुनाव तो हो गया, लेकिन दूसरे चरण का युद्ध और भी तगड़ा है। ममता बनर्जी और टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी के बीच नंदीग्राम का संग्राम छिड़ा हुआ है। आज दोनों ने नंदीग्राम में जमकर चुनाव प्रचार किया, तो बीजेपी और टीएमसी के बीच बीजेपी कार्यकर्ता की मां की मौत को लेकर भी जमकर राजनीति हो रही है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम को नाक का सवाल बना लिया है। होली के दिन भी ममता व्हीलचेयर पर बैठकर नंदीग्राम के गांव-गांव घूम रही हैं। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी इस वक्त नंदीग्राम के रास्ते में किस तरह से कैंपेन कर रहे हैं आप देख सकते हैं। गांव के अंदर वो चली जा रही है व्हीलचेयर में। उन्हीं के जो लोग हैं, जो सिक्योरिटी है, उनको व्हीलचेयर में लेके नंदीग्राम के गांव गांव में घुमा रही हैं। जय श्री राम। नंदीग्राम में ममता की टक्कर उन्हीं की पार्टी से टूटकर बीजेपी में शुभेंदु अधिकारी से है। शुभेंदु ने भी कसम खाई है वो ममता बनर्जी को जीतने नहीं देंगे, और इसीलिए नंदीग्राम की गांव की गलियों में ऑटो, बाइक और बैटरी रिक्शा से प्रचार करने शुभेंदु अधिकारी भी निकले हैं। बंगाल में नंदीग्राम सबसे हॉट सीट बन गई है। 2016 में टीएमसी के टिकट पर शुभेंदु अधिकारी जीते थे, लेकिन अब वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं और ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर की सीट को छोड़कर नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी को हराने आई हैं। और नंदीग्राम को ममता ने अहंकार की लड़ाई बना लिया है। ममता जी अब उधर से हट जाओ, आपको लिए तो पेट्रोल पंप रख दिया है, आपको पेट्रोल बम में जला देगा। आमी बोलना आप मत डरिए, हम इंतजार करेंगे। जब तक हमको नंदीग्राम में नहीं जाने देगा, तब तक हम इधर में इंतजार करेंगे। एक तरफ तो नंदीग्राम की जंग है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ता की 85 साल की मां की मौत पर बीजेपी और टीएमसी में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। बेटा तीनों बीजेपी कर रहा है, इसलिए उनका माता जी को लास्ट फेब्रुअरी महीना में उसको इतना पीटा था, तो कल दोल पूर्णिमा के दिन में उनका देहांत हो गया है। बंगाल का क्या हाल है, तुम्हारा यूपी का क्या हाल है, तुम्हारा हाथरस का क्या है, दिल्ली का क्या है, राजस्थान का क्या है? तखन की अमित शाह मुखे लुको प्लास्टर दिए बस थाके ना ठुटो जगन्नाथ मत ठुटका हुए बस थाके मुख दिए कथा बेरोय ना। 85 साल की शोभा की मौत पर बीजेपी टीएमसी पर सनसनीखेज आरोप लगा रही है और कह रही है कि टीएमसी ने बंगाल की मां को मार डाला, तो टीएमसी कह रही है कि शोभा मजुमदार की मौत उनकी पुरानी बीमारियों और बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हुए विवाद में नीचे गिरने से हुई है। এক কথা আমি তো অনেকবার বলেছি, মা তো আগাগোড়াই রুবি দিল, তারপরে এই দিন আমার ঘর ভেঙে আমাকে মারে, মারার পরে মারে ধাক্কাধাক্কি করে জবরদস্তি মা হাতিতে ভর্তি দিল। क्या शोभा मजुमदार की मौत बीजेपी के लिए सियासत का मुहरा बनेगी? बंगाल की जंग तगड़ी है और त्योहार के दिन भी दोनों पार्टियां छुट्टी के मूड में नहीं हैं। इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, नंदीग्राम आज तक।